स्वागत करते साझा दूरदर्शन के उत्ते। सब तो पहला चोनिया खबर, नो लास्ट नेम ऑन पासपोर्ट और द नैशनल आई डी, ए पालनिया ने गला पंगा। डे लाइट सेविंग इन न्यूजीलैंड, टाइम हो रहा फिर एक घंटा अगे। न्यूजीलैंड बिजनेस फेस कर रहे हैं शॉर्ट स्टाफ दी प्रॉब्लम, उतो स्टडी वीजा किए जा रहे हैं बदलाव, टैक्सी ड्राइवर पै जाते हैं नैविगेशन उत्ते भारी। तो हम खबर विस्तार के नाल दसको, जेकर तुहाडे पासपोर्ट के उत्ते जा फिर आप कह लीए कि नैशनल आई डी उत्ते इंटरनेशनल आई डी उत्ते तुहाडा नाम प्रॉपर फर्स्ट नेम अते लास्ट नेम है, तो फिर तो यार दिक्कत का सामना नहीं करना पैंदा। जिदा कि ऑनलाइन टिकटा बुक करनिया, ऑनलाइन कुछ बाय करना, जां फिर उदा किते भी ट्रैवल करना, इन्हां सब ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पैंदा। कई बार तो जदों आपां ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उत्थे फर्स्ट नेम अते लास्ट नेम जो मैंडेटरी हुंदे ने, यानी कि भरना ही पैंदा है, पर जिन्हां दे पासपोर्ट दे उत्ते जां फिर आई डी दे उत्ते गिवन नेम दे विच पूरा नाम लिखिया हुंदा है, जां फिर फर्स्ट नेम जां लास्ट नेम दे विच नाम लिखिया हुंदा है, उस टाइम ते उन्हां नूं काफी दिक्कत का सामना करना पैंदा है। आप सब नूं पता है कि वो कड़ियां दिक्कतां हुंदियां ने। बंदा टिकट बुक कराउण वेले सोचदा कि यार गिवन नेम दे विच नाम लिखिया मेरा, हुण फर्स्ट नेम ते लास्ट नेम च की पावां। बाद जदों आई डी वेरीफाई हुंदी है ते पता चलदा कि वेरीफाई होई नहीं, ते फिर सानूं एक्सट्रा प्रूफ लाउणे पैंदे ने, ते उस टाइम ते बंदा यार सोचदा कि यार साडे पासपोर्ट ते फर्स्ट नेम ते लास्ट नेम होना चाहिदा सी। हमेशा बंदा कन्फ्यूज ही रहिंदा कि फर्स्ट नेम च की भरिया जावे जां लास्ट नेम दे विच की भरिया जावे। उपरों जदों बंदा किते ट्रैवल करदा है ते उस टाइम ते पासपोर्ट ते सिंगल नेम नूं ज्यादा चैक कीता जांदा है, कई बार इस नाम नूं लैके एवें ही प्रॉब्लम पै जांदी है। हुण मान लो ऑनलाइन फोन ही बाय करना होवे जां फिर इंडिया पैसे भेजने होण ते फर्स्ट नेम अते लास्ट नेम मैंडेटरी हुंदा है, ते जदों बाद विच आईडी दी वेरीफिकेशन हुंदी है ते फिर नाम मैच नहीं करदे। कई बार तां बंदा फर्स्ट नेम ते लास्ट नेम दो वारी पा दिंदा है जां फिर कोई भी कॉलम ब्लैंक छड दिंदा है, पर बाद विच आईडिया नूं मैच कराउणा बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जांदा है। सो इस तरह दर्शको इह कॉमन जिहियां दिक्कतां आउंदियां ने। सो इस करके दर्शको असीं हिदायत दिंदे आ कि नवें जम्मे बच्चे दा जदों नामकरण कीता जांदा है ते इह खास ध्यान रख्या जावे कि जो भी असीं नैशनल ते इंटरनैशनल आईडीस बणनियां ने उन्हां ते प्रॉपर फर्स्ट नेम अते लास्ट नेम रख्या जावे तां जो बाद विच इस दिक्कतां दा सामना करना ना पवे। चलो हुण साडे वर्गिया नाम तां गिवन नेम च लिखे होए ने, कई बार तां आईडीस वेरीफाई नहीं हुंदियां ते फिर सानूं एक्सट्रा एफिडेविट लाउणे पैंदे ने, एवें वाधू दा स्ट्रेस। बाकी आप भी कमेंट करके दसो कि जिन्हां दा नाम गिवन नेम च ने जां फिर फर्स्ट नेम जां लास्ट नेम है नहीं, उन्हां नूं कड़ियां दिक्कतां दा सामना करना पैंदा है। एवें कई बार इस निक्की जिही चीज दे करके बंदा फ्रस्ट्रेट हो जांदा है। हुण कई जणे विदेशां विच लाइसेंस बणाउंदे ने, उन्हां दा फुल नेम सरनेम दे विच ही लिख दित्ता जांदा है जां फिर फर्स्ट नेम च लिख दित्ता जांदा है जां फिर फर्स्ट नेम च लिख दित्ता जांदा है। इस दा कारण है कि पासपोर्ट दे उत्ते उन्हां दा पूरा नाम गिवन नेम दे विच लिखिया होया हुंदा है। सो इन्हां चीजां दा ध्यान रख्या जावे। सो इस तरह दर्शको जिन्हां दे फर्स्ट नेम अते लास्ट नेम पासपोर्ट ते हैगे ने उह तां इन्हां दिक्कतां तों परे ने, पर बाकियां लई कई वार एवें ही दिक्कत बन जांदी है। ते आओ फिर वधदे आपां अपनी अगली खबर दे वल। दसको गल करते हैं न्यूजीलैंड विच डेलाइट सेविंग दी, ते असीं आप सब नूं दस दईए कि सितंबर महीने दी 25 तरीक नूं यानी कि इसे ही महीने जो टाइम है एक घंटा फॉरवर्ड हो जाएगा। बाकी आप तां ऑलरेडी अपडेटेड होवोगे, पर फिर भी आप नूं एक बारी दस दईए कि इह जो डेलाइट सेविंग है उह 25 सितंबर 2022 नूं शुरू होवेगी जो कि 2 अप्रैल 2023 तक चलेगी। बाकी अजकल तां सब कुछ ऑटोमैटिक आ, फोनां ने तां आपे ही टाइम फॉरवर्ड कर लेना है, पर जिहड़े हजे वी घड़ियां उत्ते टाइम देखदे ने उह थोड़ा जिहा ध्यान देण, बाद च इही ना गल होवे कि यार तूं कम ते एक घंटा लेट आया। कईआं नाल इदां हो भी जांदा है, बाकी कई तां इह बहाने ही मार दिंदे ने कि यार सानूं तां पता ही नहीं लगा। इस तरह दर्शको देखिया गया है। बाकी दर्शको एट द मोमेंट न्यूजीलैंड दे टाइम दा इंडिया नालों 6.5 घंटे दा फर्क है। हुण जिहड़े अपने घरदिआं नूं जां चाहुण वालिआं नूं सवेरे सवेरे ही कॉल करदे ने अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम, उह इस नूं मद्देनजर रखदे ही कॉल करन, एवें ना गालां खाणियां पै जाण कि यार तूं तां 4 बजे कॉल लाती, अज सानूं सौण वी देणा कि नहीं, इदां वी दर्शको हो जांदा है। सो जाणी कि 25 सितंबर तों न्यूजीलैंड अते इंडियन टाइम दा फर्क जो है उह 7.5 घंटे हो जाएगा। बाकी दर्शको इह जो इनफॉर्मेशन है आप सब नूं गूगल दे उत्ते मिल जाएगी। सो इस तरह दर्शको न्यूजीलैंड दे विच 25 सितंबर 2022 डेलाइट सेविंग दे तहत टाइम है जो 1 घंटा फॉरवर्ड हो जाएगा। इह सी दर्शको डेलाइट सेविंग दी इनफॉर्मेशन, ते आओ फिर वधदे आप अपनी अगली खबर दे वल। दर्शको एक बार फिर तो गल करते हैं न्यूजीलैंड की। इस टाइम दर्शको न्यूजीलैंड में जो बिजनेस ने वह शॉर्ट स्टाफ तो काफी परेशान ने, ते अजकल दर्शको नोट किया गया है कि कई पासे तो इन्नी ज्यादा स्टाफ की शॉर्टेज है कि उन्होंने कई कई दिन अपने बिजनेस बंद करने पैंदे ने, यानी कि वीक दे विच कुछ दिन ही काम करते ने ते बाकी दिनों उन्होंने अपने बिजनेस बंद करने पैंदे ने। आप सबनों पता है कि इन्ना रेंट हुंदा है, बिजली पानी, उपरों स्टाफ की सारी पे, सो इस तरह बिजनेस काफी स्ट्रगल कर रहे ने। बाकी दर्शको रीसेंटली सुनने दे विच आया है कि स्टूडेंट वीजे विच भी काफी बदलाव किए गए ने, कि स्टूडेंट वीजे विच भी काफी बदलाव किए गए ने। खबर बनाने तक सानू यह खबर मिली है कि जो लेवल 5, 6, 7 ने उन्हां तों बाद जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है उस नूं बंद करन दे आसार देखे गए ने। बाकी जो फुल इनफॉर्मेशन है वह आपनूं वैबसाइट दे उत्ते क्लीयर हो जाएगी।
क्योंकि हजे ये अधूरी इनफॉर्मेशन है। सो इस तरह जिहड़े भी स्टडी वीजा लाना चाहुंदे ने ओह इस चीज़ का जरूर ध्यान देण। बाकी दर्शकों जिवें कि आप नूं पता है कि काफी देर लॉकडाउन रहा जिस करके कोई इत्थे आ नहीं पाया ते शॉर्ट स्टाफ की जो प्रॉब्लम है वह स्टिल बिजनेस वास्ते सिरदर्द बनी हुई है। सो बाकी इमीग्रेशन चाहिए है कि इस शॉर्टेज नूं पूरा किया जाए ता जो बिजनेस जो स्ट्रगल कर रहे हैं उन्होंने स्ट्रगल मुक सके ते पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नूं भी सौखा किया जाना चाहिए है। बाकी दर्शकों उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय दे विच जो घट स्टाफ की प्रॉब्लम है वह भी सॉल्व होगी और इमीग्रेशन पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ते भी खास ध्यान देगी। तो आओ फिर वधदे आप अपनी अगली खबर के वल। दर्शकों गल करते हैं टैक्सी ड्राइवर्स की। जिहड़े चिरां तों टैक्सी ड्राइविंग का काम करते हैं उन्होंने दिमाग तां एरियाज के नक्शे छप जाते हैं तो एक टाइम तो अजिहा आता है कि टैक्सी ड्राइवर्स नैविगेशन उत्ते भी भारी पै जाते हैं। उन्होंने एरिया की कली कली गली का पता हुंदा है कित्थे लाइटां घट आउणियां ने कित्थे ट्रैफिक ज्यादा हुंदा है और मिनटां च निकल के किवें सिटी पहुंचा जाता है यह सब उन्हें दिमाग दे विच छप जाता है। तो जो कि बंदा टैक्सी ड्राइवर घूमन जाता है यानी कि जो ऑफ वर्क होंगे ने घूमन फिरन जाते हैं तो आराम शॉर्टकट मार के डेस्टिनेशन ते पहुंच जाते हैं तो साडे वर्गे बंदे जो नैविगेशन लगा के जाते हैं और राह ही ट्रैफिक दे विच फसे हुए मिलते हैं तो साडा यार दोस्त जो टैक्सी ड्राइवर हुंदा है वह डेस्टिनेशन उत्ते पहुंच के सानू कॉल करता है की गल हुई कित्थे रह गए अच्छा मैं तो पहुंच भी गया सिटी तू राज कित्थे फस गया तैनू कहा सी मैनू फॉलो कर ला हुण बंदा फॉलो भी किदां करे। टैक्सी ड्राइवर तो मिनटां च शॉर्टकट मार के ओदे ओ जांदे ने ते साडे वर्गा बंदा लाइटां उत्ते ही फसिया रहिंदा है। सो इस तरह दर्शकों जो टैक्सी ड्राइवर ने एरिया दे नक्शे उन्हां दे दिमाग विच छप जाते हैं ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੱਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਵੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਬੁਲਟਨ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਨਮਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ।